नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष तियारबन नक्सल। दोस्तों, कुछ दिनों से मुझे एक बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत हीन और छोटा समझने लगा हूं। मैं अपने आप को लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर समझने लगा हूं, और वो इसलिए क्योंकि हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि लोअर मिडिल क्लास में जो लोग हैं वो सालाना 6 लाख से 18 लाख कमाते हैं, यानी कि महीने के 50,000 से 1,50,000 कमाते हैं। अब मुझे तो बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगने लगा है कि मैं यार इतना भी नहीं कमाता, तो मैं लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास हूँ, मतलब करीब करीब गरीबी रेखा में हूँ। अब मैं अच्छे मकान में रहता हूँ, मेरे एरिया के सबसे अच्छे मकान में रहता हूँ, 2 BHK में रहता हूँ, और जैसे आप देख रहे हो मोटा ताज़ा हूँ, लेकिन मुझे एक बड़ी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर हूँ मैं। अरे यार, कुछ मेरे साथ बहुत, यानी मैं पता नहीं क्या कहूँ अपने बारे में। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि चलो देखते हैं ये लोअर मिडिल क्लास में कौन कौन आ रहे हैं, और मैंने पे स्केल का रिसर्च किया, पुलिस ऑफिसर्स का, IAS ऑफिसर्स का, IPS ऑफिसर्स का, सिविल जजेस के बारे में, उनके पे स्केल के बारे में, और मैजिस्ट्रेट्स के बारे में, फर्स्ट क्लास जूनियर डिवीजन मैजिस्ट्रेट वगैरह, और यानी कि इस तरह के लोगों, MLAs MPs के सैलरीज के बारे में मैंने देखा, और बैंक एम्प्लॉयज के बारे में देखा, आर्मी ऑफिसर्स के बारे में देखा। तो पता चलता है कि इनमें से ये सारे जो लोग हैं, IAS IPS ऑफिसर्स, जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाते हैं वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करीब करीब सबके सब लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, एज पर श्रीमती सीतारमन। और IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, शायद बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी 1.5 लाख से कम कमाते हैं महीने के, यानी मैं ऊपर की आमदनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरी और यानी बेसिक पे और उसके अंदर जो भी पर्क्स वगैरह आते हैं, TADA, हाउस रेंट अलावेंस वगैरह, वो सब गिन के भी मैं समझ रहा हूँ कि करीब करीब उनको 10 साल लग जाते हैं ये लोअर मिडिल क्लास के दर्जे में से उठने के लिए। चाहे आप IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, मैजिस्ट्रेट हो, सिविल जज हो, आपको कम से कम 10-15 साल लगते हैं इस निचले दर्जे से ऊपर उठने के लिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तो बात ही नहीं करूंगा, बैंकिंग एम्प्लॉयज को भी ले लो, नेशनलाइज बैंक्स के एम्प्लॉयज को, तो सबके सब लोअर मिडिल क्लास हैं, बहुत सारे लोग लोअर मिडिल क्लास हैं एज पर मैडम सीतारामन। तो मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है। अब मैडम सीतारामन ने अपने फिगर्स के लिए किससे कंसल्ट किया होगा, IAS ऑफिसर से कंसल्ट नहीं किया होगा, जो कि पहले किया करते थे, लेकिन आजकल पता चलता है कि आजकल के प्रधानमंत्री और कोई भी मंत्री, वैसे मंत्री लोग जो कंसल्ट करते हैं वो प्रधानमंत्री से कंसल्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये फिगर जो है ये निर्मला सीतारमन को किसी उनके डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट के IAS ऑफिसर ने नहीं दिया होगा, और शायद प्रधानमंत्री जी ने खुद दिया होगा, और प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य होता है, बिल्कुल सच, 100% सच, कोई मिलावट नहीं। अब मैंने सोचा यार प्रधानमंत्री को कहां से मिला होगा ये आंकड़ा, प्रधानमंत्री जी भी एकदम ऐसे, यानी उनको तो सीधा वैकुंठ पर्वत से ही डायरेक्ट उनको SMS से डायरेक्शंस आ जाते हैं या डायरेक्ट कॉल आ जाता है ऊपर वाले का। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कोई पृथ्वी पर भी कोई तो होगा जिन्होंने ये ऐसे फिगर्स दिए होंगे, बहुत सोचा। IAS ऑफिसर से उन्होंने ऐसे कंसल्ट किया होता तो ये सब नहीं करते। वैसे IAS ऑफिसर से कंसल्ट किया होता जो लोग प्रशासन चलाते हैं, तो शायद वो 4 घंटे का नोटिस देके न लॉकडाउन करते और न डिमोनेटाइजेशन करते।
उन्होंने अपने जूनियर मिनिस्टर से भी कंसल्ट नहीं किया होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये फिगर, ये 50,000 से 1.5 लाख पर मंथ का फिगर जो लोअर मिडिल क्लास का लक्षण है, वो कहां से आया होगा? बहुत सोचा मैंने। आखिर में कल मुझे केवल ज्ञान हुआ, सडनली एकदम मैं चौंक गया, नींद से उठ गया मैं। ऑफकोर्स प्रधानमंत्री जी किसके किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं? उनके कपड़े देखो, उनका सूट बूट देखो, उनके उनके चश्मे देखो, उनकी घड़ी देखो, उनकी उनके कार देखो, उनका भाई उनका पहनावा, उनका जो स्टाइल है वो देखो ना। वो स्टाइल कहाँ से आता है? गरीब लोगों से तो नहीं आ रहा है। वो जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उन्हीं से तो उनके स्टाइल आ रहा है। वो ट्रंप के साथ उठते बैठते हैं, कभी कभी ओबामा के साथ तो यारी दोस्ती तू तड़ाक का रिश्ता है, शायद ट्रंप के साथ भी तू तड़ाक का रिश्ता होगा, लेकिन ट्रंप के साथ ये फिगर नहीं आया होगा। तो मैंने सोचा हाँ अब मुझे समझ में आ गया, अब मोदी जी अंबानी और अडानी के साथ तो उठते बैठते हैं। और अचानक से मुझे लगा हाँ ये बात है, देखिए मुकेश अंबानी रहते हैं 27 माले के एंटीला में। अब 27 माले के एंटीला में लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो साफ सफाई करते हैं, टॉयलेट्स को मेंटेन करते हैं, जो मैनेज करते हैं, धूल धमाका जो भी करने का रहता है, इधर की कुर्सी उधर करो, गेस्ट आने वाले हैं, कर्टन सिलेक्ट करो, ये बहुत पुराना हो गया, गए महीने में ये पर्दे लिए थे, गए महीने में ये कारपेट लिया था, बदल दो, मैडम का मूड आ नहीं रहा है, बदल दो, यानी ये टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। और सिक्योरिटी, अरे मुकेश साहब आ रहे हैं तो भाई फुल सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी से भी बढ़कर सिक्योरिटी होगा उनके। ये सारे लोग जो हैं ड्राइवर्स, ये सारे जो लोग हैं जो उनके 27 माले का एंटीला चलाते हैं, मैं उनके इंडस्ट्रीज की बात ही नहीं करूंगा, मैं उनके कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उनका घर, घर के नौकर। तो ये सारे जो घर के नौकर हो हैं वो आईआईटी के इंजीनियर्स होंगे और आईआईएम के मैनेजर्स होंगे। अब इन लोगों को 50,000 से 1.5 लाख का पगार मिलता होगा, ऐसे मैं समझता हूं। अब हैं तो ये सारे लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि भाई ये तो यानी झाड़ देते होंगे मुकेश भाई। अब अपने प्रधानमंत्री जी जब मुकेश भाई के साथ में बैठते हैं तो उनका स्केल जो है वो रीएडजस्ट हो गया, और उनके हिसाब से जो लोग 50,000 से 1.5 लाख कमाते हैं वो तो ऐसे ही ड्राइवर, वॉचमैन, यही सब है, ऐसे ही नौकरी करते हैं। एक दो ऐसे 1.5 लाख वाले को मुकेश भाई ने झाड़ दिया होगा, कहा होगा साले तू जूती जूता साफ कर मेरा, और उसने झुक के जूता भी साफ किया होगा, पता नहीं, यानी आई एम जस्ट गेसिंग। तो इससे प्रधानमंत्री जी को लगा होगा कि जूता साफ करने वाला भी 1.5 लाख रुपया कमाता है तो वो हो गया लोअर मिडिल क्लास। तो इस तरह से ये फिगर आया होगा लोअर मिडिल क्लासेस को। अब और एक जो है ये माइग्रेंट लेबर वगैरह, ये तो दिखते ही नहीं है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि यार आप जब मुकेश अंबानी के साथ में बैठोगे, माना कि प्रधानमंत्री जी एंटीला में नहीं गए होंगे, जाते होंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल आरटीआई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, आरटीआई एप्लीकेशंस के कोई जवाब ही नहीं मिलता है। और अगर इन लोगों ने उनको विजिट भी किया होगा तो भी अपने को तो पता ही नहीं चलेगा कि मुकेश अंबानी आए थे प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस में या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, आते हैं बैठते हैं और कंसल्ट करते हैं, और ये कब नोटबंदी करना चाहिए, कब लॉकडाउन करना चाहिए, कब लॉकडाउन खोलना चाहिए, लॉकडाउन को किस तरह से हम डिजाइनर नेम्स देते हैं, लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0, ये टाइप के जो कूल नेम्स हैं, तो ये सब उनके जो स्टाइल गुरुज हैं वो सारे अडानी अंबानी यही तो लोग हैं। तो ये स्टाइल गुरुज ने उनको समझाया होगा कि देख भाई लोअर क्लासेस जो हैं, मेरा ड्राइवर जो है वो लोअर क्लास है और वो 1.5 लाख रुपया कमा रहा है और वो मेरी मर्सिडीज चला रहा है, करोड़ों की है, और मेरा जो घड़ी पॉलिश करने वाला बंदा है ना उसको मैं 50,000 रुपया देता हूँ, मेरा बूट जो पॉलिश करता है ना गुच्ची के
मेरे गुच्ची के जो बूट्स हैं उसको पॉलिश करने के और मैडम के बूट्स को सही सलामत रखने के, जो यानी ये जूते चप्पल ये वो, तो ये बंदा भी 50,000 कमा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि हाँ यही तो है लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और उन्होंने फिर मैडम सीतारमन को भी साथ में बुलाया होगा कि जरा चप्पल साफ करवा लो अपने 1.5 लाख वाले आईआईटी इंजीनियर से, और 1.5 लाख वाले आईआईटी इंजीनियर ने चाट चाट के जूता चप्पल साफ किया होगा। यार 1.5 लाख मिल रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए चप्पल साफ करने के, तो डेफिनेटली वो चाट के साफ करेगा। यार तुम बोलो ना क्या करके साफ करना है। उसने साफ किया होगा, उसने अपने कपड़ों से साफ किया होगा, पता नहीं। तो ये हो गए लोअर मिडिल क्लास। अब मुझे समझ में आया कि अच्छा लोअर मिडिल क्लास ये समझ रहे हैं, तो हमारे सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर तो डेफिनेटली लोअर मिडिल क्लास। अरे डीसीपी लेवल के लोअर मिडिल क्लास, मैं समझता हूँ कि जॉइंट सीपी भी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कमाता होगा। और आर्मी में कम से कम मेजर, नहीं मेजर लोग शायद ज्यादा कमाते होंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट कैप्टन ऐसे रैंक्स रखने वाले भी लोग शायद 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कमाते, मतलब वो लोअर मिडिल क्लास हो गए। यानी आप देखिए हमारे आईएएस ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह सब लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अपने जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, सिविल जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस शायद शायद अपर मिडिल क्लास हो जाते हैं। तो ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत। अब इसके लिए, इस गलती के लिए रिजाइन किसे करना चाहिए? नरेंद्र मोदी को तो रिजाइन नहीं करना चाहिए। ये सब गलती है कांग्रेस वालों की, सब गलती है मनमोहन सिंह की और पप्पू की और सोनिया गांधी की। और मैं ये कहता हूं कि ये सब गलती जो है ये जवाहरलाल नेहरू की गलती है, और जवाहरलाल नेहरू को तो रिजाइन करना ही करना चाहिए, और साथ में मनमोहन सिंह को भी रिजाइन करवा देना चाहिए। जय हिंद।